ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे द फोर्थ द थर्ड एग्जाम्पल, द सिल्क मॉथ और बॉम्बिक्स मोरी। ठीक, ठीक है। तो सिल्क मॉथ के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा कि सिल्क के लिए जो है, ये सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क मॉथ को जो है रेयर किया जाता है और उन जो है उन्हें पाला जाता है, और उस प्रैक्टिस को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और उस प्रकार सिल्क की जो है प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज स्केल पे। ठीक, तो सिल्क मॉथ सिल्क का जो कैटरपिलर है वो हेल्प करता है हमें सिल्क देने में। ठीक, तो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए उन्हें जो है पैदा किया जाता है। ठीक, तो इसकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका जो नेटिव है सिल्क मॉथ का वो चाइना है। ठीक है, सिर्फ चाइना में ये सबसे पहले होते थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि सिल्क जैसा जो आ, आ, कपड़ा है उसके द्वारा जो है बनाया जा सकता है, सिल्क पैदा किया जा सकता है, तो वहां से जो है सब जगह उसे क्या कहें, स्मगल किया गया या उसे ले जाया गया, और इस प्रकार सिल्क मॉथ फिर से ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाने लगा। बट द नेटिव ऑफ सिल्क मॉथ वॉज चाइना। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सिल्क मॉथ का। ठीक, हैबिट्स, अब हैबिट भी इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास बात यह है कि हैबिट में क्या है, जो मेल्स होते हैं दे डाई सून आफ्टर पॉपुलेशन मैटिंग के तुरंत बाद, जो मेल्स सिल्क मॉथ होते हैं वो मर जाते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं डाई आफ्टर लेइंग द एग्स। ठीक है, जो एग ले करती हैं उसके बाद ये फीमेल्स भी जो सिल्क मॉथ होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, इनका जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर लार्वा होता है, और जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट होती है, होलो मेटाबोलस होते हैं ये, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो जो कैटरपिलर है उससे जब एडल्ट बनता है तब तक काफी वेरियस चेंजेस जो हैं इसकी बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो लार्वा इज अ कैटरपिलर, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इसमें जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है तो फोर स्टेजेस जो हमने पढ़ी थी वो सभी होती है, और जो प्यूपा स्टेज होती है उस स्टेज में ही ये सिल्क जो है वो बनाता है। ठीक, ठीक है, ठीक। अब इसके जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स हम देखने से पहले इसका हम एक डायग्राम चित्र बनाकर देखेंगे। ठीक है, क्रीमिश कलर की होती है ये, क्रीमिश वाइट कलर की, तो येलो कलर से मैं यहाँ बना के बताती हूँ। ठीक है, मॉथ जो होते हैं वो फेदरी होते हैं। अभी मैं आपको मॉथ और सिल्क के बारे में, सॉरी, मॉथ एंड बटरफ्लाई के बारे में डिफरेंस भी बताने वाली हूँ।
ठीक है, ये जो है ये हमने बनाया है सिल्क मॉथ। ठीक, इसका जो कैटरपिलर होता है वो किस प्रकार होता है? ठीक है, तो इस प्रकार जो है कैटरपिलर या इसका जो लार्वा जो होता है वो इस प्रकार होता है। इसमें यदि देखें तो जो एंटीनाज होते हैं, इसके टेपरिंग एंटीनाज होते हैं, ठीक है, फेदरी बॉडी होती है, ठीक है, हेयरी बॉडी जो है इसकी होती है। मॉथ्स की वैसे भी खास बात है कि जो इनकी बॉडी होती है वो हेयरी होती है, फेदरी बॉडी होती है, और वेलवेटी जो है कहते हैं, वेलवेट टाइप इनकी जो बॉडी होती है मॉथ्स की, सिल्क मॉथ की होती है। ठीक, हेयरी बॉडी होती है, ये है एब्डोमेन, ये है थॉरेक्स, और ये हेड जो है स्मॉल होता है, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, फैंट लाइंस होती है ऑन द विंग्स। ठीक है, कैटरपिलर में ये ट्रू लेग्स जो है जो कि थॉरेक्स से निकल रहे हैं, ये है थॉरेक्स पार्ट, और ये है एब्डोमेंस, जिसमें एब्डोमेन में जो है सेगमेंट्स रहते हैं, 10 सेगमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 10 सेगमेंट्स रहते हैं किसमें, कैटरपिलर में। ये है हेड रीजन, ठीक है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो यहाँ से जो है विंग्स जो है इसमें निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है प्रोलेग कहा जाता है। ठीक है, ये जो है 3 से लेकर 6 तक जो है प्रो लेग कहलाते हैं। एक एनल हॉर्न होता है और स्मॉल एपर्चर्स होते हैं जिन्हें कि स्पाइरिकल कहा जाता है। स्पाइरिकल हमें पता है क्या है, स्पाइरिकल जो होते हैं वो कम्युनिकेशन होते हैं विद विद इन ट्रेकिया इन द आउटर रीजन। तो स्पाइरिकल्स जो है ईच सेगमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है सिल्क मॉथ का। तो इंपॉर्टेंट फीचर में हम देखेंगे क्रीमिश स्टाउट बॉडी, ठीक है, नो कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, देन लॉन्ग विंग्स, ठीक है, वेलवेटी अपीयरेंस, हेयरी बॉडी, एंटीनास जो होते हैं टैपरिंग। ठीक है, और जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर में हेड, थोरेक्स एंड 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन। उसके बाद एनल हॉर्न एट द लोअर एंड। ठीक है,
सेगमेंट्स विद द स्पाइरेकल्स, ठीक है, ट्रू लेग्स ऑन द थोरेक्स, ठीक है। एंड प्रोलैग ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार जो है कैटरपिलर रहता है, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखें, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर रेयर्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन एंड दैट इज कॉल्ड सेरी कल्चर, दैट इज कॉल्ड सेरी कल्चर, ठीक है। तो ये जो है सिल्क प्रोडक्शन में सिल्क मॉथ जो रहती है उन्हें रेयर किया जाता है और उनकी पैदावार की जाती है, ठीक। ओके, वन मोर फीचर इज दैट फीमेल्स जो होती हैं दे आर लार्जर देन द मेल्स। ठीक है, तो मॉथ जो है सिल्क मॉथ को रिवाइज करेंगे, बॉम्बिक्स मॉरी भी कहा जाता है, नेटिव इसका चाइना है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फॉर द सेरिकल्चर इन्हें पैदा किए जाने लगा। मेल्स जो है वो दे डाई सून आफ्टर द कॉपुलेशन एंड द फीमेल्स डाई आफ्टर लेइंग द एग्स। द लार्वा इज कॉल्ड द कैटरपिलर, मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट, होलो मेटाबोलस आर देयर एंड इंपॉर्टेंट फीचर इज द क्रीमिश वाइट स्टाउट बॉडी एंड हेयरी बॉडी, फीदरी बॉडी, नो कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, लॉन्ग विंग्स विद द वेलवेटी अपीयरेंस, एंटीना आर टैपरिंग एंड कैटरपिलर हैज द स्मॉल हेड एंड थोरैक्स विद द ट्रू लेग्स, सेगमेंटेड एब्डोमेन विद द प्रो लेग्स एट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, स्पाइरिकल एट ईच सेगमेंट एंड द फीमेल्स आर लार्जर देन द मेल्स, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज सेरिकल्चर, ठीक है। तो ये हमने देखा बॉम्बिक्स मोरी और सिल्क मॉथ। अब हम देखेंगे कि क्यों कुछ को मॉथ कहते हैं और कुछ को बटरफ्लाई, जबकि जो उनका अपीरेंस है वो काफी कुछ सिमिलर होता है। तो अब हम आगे के सेशन में सेक्शन में देख रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द मॉथ एंड द बटरफ्लाई। ओके, तो फ्रेंड्स यू मस्ट बी कंफ्यूज कि भाई क्यों कुछ को मॉथ कहा जाता है और कुछ को बटरफ्लाई कहा जाता है, जबकि दोनों के पास विंग्स होते हैं, ठीक है, दे लुक अलाइक, ठीक है, काफी सिमिलर दिखती है, लेकिन क्यों कुछ मॉथ से और क्यों कुछ बटरफ्लाई, ठीक है। तो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन मॉथ एंड बटरफ्लाई। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, जो मेन डिफरेंस है वो हम यहाँ देख रहे हैं। जो बटरफ्लाई होती है वो डायर्नल होती है, ठीक है, वो दिन के समय पे हमें दिखती है, जबकि मॉथ्स आपने हमेशा देखा होगा कि मोस्टली जब बारिश का सीजन होता है तो लाइट के आसपास जो हमें रात में मॉथ जो है वो दिखती है, बहुत छोटी छोटी तितलियों जैसी होती हैं, ठीक है। अधिकतर जो है लाइट ग्रेश कलर की दिखती है, लाइट ब्राउन कलर की दिखती हैं, और ये जो है ये होती है नॉकचर्नल, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो हेयर क्लेड बॉडी होती है, हेयरी बॉडी होती है, ठीक है, जबकि इनकी जो बॉडी होती है नो हेयरी बॉडी, ठीक है। इनके जो एंटीना होते हैं बटरफ्लाई के वो नॉक्ड होते हैं, आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बना के रखा है दोनों का ही। तो इसके जो एंटीना आप देख रहे हैं नॉब है ऊपर, जबकि मॉथ के जो एंटीना होते हैं वो कैसे होते हैं, टैपर्ड होते हैं, टैपरिंग एंटीना होते हैं, टैपर्ड मीन्स इस प्रकार से जो है इसको कहते हैं टेपरिंग एंड और द टेपर्ड, ठीक। तो इसका जो होता है वो टेपरिंग होता है, ठीक। इसके अलावा एक और फीचर ये है
कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कैबेज बटरफ्लाई में, कि जब वो रेस्ट करती है तो अपने विंग्स जो है वर्टिकल अबव द बॉडी रखती है, ठीक है। किस प्रकार से, ये जो है हमने यहाँ देखा था, और इस प्रकार से जो है वो विंग अपने रखती है, ठीक है। लेकिन जो मौत होती है वो एट द टाइम ऑफ रेस्ट और सिटिंग जो अपने विंग्स हैं वो उसकी बॉडी पे हॉरिजॉन्टल रखती है, ठीक है। तो यदि वो जो है मौत जो है वो सिटिंग कर रही है, ठीक है, तो वो अपने विंग्स जो है कुछ इस प्रकार से बॉडी में रखेगी, ठीक है। तो ये जो है ये किसका फीचर है, अपने मॉथ्स का, ठीक। तो इट कीप्स विंग्स अबव द बॉडी वर्टिकली एट द टाइम ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करिए, जब भी आप एक बटरफ्लाई को देखें और एक मॉथ को देखें तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि ये बटरफ्लाई है या ये मॉथ है, ठीक है। इट कीप्स विंग्स हॉरिजॉन्टली अबव द बॉडी एट द टाइम ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। बटरफ्लाई डायरनल है, मॉथ नॉक्चरनल है। इसकी बॉडी हेयरी होती है मॉथ की, और बटरफ्लाई की हेयरी नहीं होती, इसलिए मॉथ जो है वो थोड़ी फिदरी बॉडी दिखती है, इसकी वेलवेटी अपीरेंस दिखता है मॉथ की बॉडी का। एंटीना नॉब्ड होते हैं बटरफ्लाई के, जबकि मॉथ के टेपरिंग एंटीना है, ठीक। ये अपनी जो विंग्स है, अपने जो पंख है, वो रेस्ट के टाइम पर कैसे रखती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से अपनी बॉडी के जो विंग्स है वर्टिकली रखती है, जबकि ये अपनी बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टली विंग्स को रखती है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंसेस है बिटवीन द मॉथ एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द मॉथ और बटरफ्लाई यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि ये मॉथ है या बटरफ्लाई, ठीक। अब हम देखेंगे द मस्का और द हाउस फ्लाई, जो हमारी मक्खी जो हमारे घरों में होती है उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैसा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप जो हम इंसेक्ट देखने जा रहे हैं वो हम उससे बहुत ही भली भांति परिचित हैं, और वो है मस्का और द हाउस फ्लाई, ठीक है। ये हमारे अपने घरों में बहुत इजीली देखने को मिलती है, जो मक्खी होती है, ठीक है, जिससे बारिश में हम बहुत परेशान होते हैं, ये हाउस फ्लाई जो है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो इट्स कॉमन एवरीवेयर इन द वार्म कंट्री, जो वार्म कंट्रीज होती हैं, वहां पे ये सभी जगह मक्खियां मिलती ही हैं, ठीक है। ठीक है, हैबिट्स, हैबिट्स क्या है इसकी, तो ये बहुत ही फास्ट फ्लाई कर सकती है, वॉचफुल होती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि ये बहुत तेजी से भागती है, और यदि हम इन्हें मारने की कोशिश करें तो बहुत ही जो है मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भागती है, उड़ जाती है। तो ये वॉचफुल होती है, ये निगाह रखती है इनके डेंजर पे, और दे आर वेरी वॉचफुल एंड दे फास्ट फ्लाइंग। जो फीमेल्स होती हैं दे ले एग्स ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर जो डीके हो रहा है, खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो वहां पे ये जो फीमेल्स होती हैं मस्का फीमेल्स वो अपने अंडे देती हैं, और ये जो लार्वा होता है वो लेगलेस लार्वा होता है जो कि मगेट कहलाता है, ठीक है। एंड इट फीड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक
मैटर, ठीक है, जो खराब सड़े गले जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उस पे ये क्या करता है, ये फीमेल्स अपने एग ले करती है, और जो कैट जो इसका लार्वा होता है जो कि मगेट कहलाता है, ये लेगलेस होता है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से जो है लार्वा इल्ली की तरह जो है लार्वा, जिसे हम इल्ली कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इस प्रकार से जो है इसका लार्वा दिखता है, लेग लेस लार्वा होता है, ठीक है। तो ये जो लार्वा होता है, इट फीड्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, फास्ट फ्लाइंग, वॉचफुल, ठीक, और एनी अदर फीचर्स। ठीक है, कंप्लीट होलो मेटाबोलस होता है ये, होलो मेटाबोलस, और जो फीडिंग है इट टेक्स फ्लूइड्स ओनली, फ्लूइड्स जो एडल्ट्स हैं वो फ्लूइड्स पर ही जिंदा रहती हैं, ठीक है। तो इट टेक्स फ्लूइड्स ओनली, द मस्का टेक्स फ्लूइड्स ओनली, कैटर जो इसका सॉरी मगेट्स जो है इट फीड्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं इसके, किस प्रकार की ये दिखती है, ठीक है, इसका एक डायग्राम हम बनाएंगे। लार्ज ग्लोब्यूलर हेड होता है इसका, इस प्रकार से थोरेक्स होता है जो कि सेगमेंटेड होता है इंडिस्टिंक्टली लाइक दिस, ठीक है, और फिर जो है एब्डोमेन, ब्रिसल्स होते हैं इसकी बॉडी पे, ठीक है, लार्ज कंपाउंड आईज होती है इसकी, डार्क ब्राउन कलर की, ठीक है, ठीक है, और विंग्स जो है लार्ज होते हैं, और ट्रांसपेरेंट विंग्स इसके होते हैं, ठीक है, एक स्मॉल प्रो स्मॉल जो है विंग्स भी होते हैं, ठीक है, जिसे हाल्टियर विंग्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लाइंस रहती हैं विंग्स पर, स्मॉल एंटेनास इसके होते हैं, ठीक है, एक ऑसिलाई होता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो हाउस फ्लाई है वो रहती है, ठीक है। तो ये जो आईज है इसकी डार्क कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, ये लेग्स हैं इसके, ठीक है, और ये है इसके विंग्स, ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में अच्छा रहेगा आपको। ये यहाँ पे है फोर विंग्स सॉरी हिंड विंग्स, ठीक है, तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
ये देख सकते हैं, दीज आर लार्ज कंपाउंड आईज ऑन बोथ द साइड, विंग्स, फोर विंग्स, दीज आर हाल्टारे, हाल्टेयर और हिंड विंग्स, ठीक है, दीज आर लेग्स, मेटा लेग, मीजो लेग, प्रो लेग, दिस इज हेड, दीज आर एंटीनास, दीज आर शॉर्ट एंटीनास, दिस इज थोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमेन, ठीक है। तो ये जो है इसके जनरल फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेड देखें, तो हेड कैसा होता है, लार्ज, मोटाइल, मूवेबल, ग्लोब्यूलर हेड विद लार्ज डार्क ब्राउन कंपाउंड आइज, शॉर्ट एंटीनास एंड फ्लैशी प्रोबॉस प्रोबॉस्किस, ठीक है। प्रोबॉस्किस जो है उससे ये फ्लूइड को लेने में इसे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हेड हो गया। थोरेक्स जब हम देखेंगे तो थोरेक्स कैसा होता है, इनडिस्टिंक्टिवली सेगमेंटेड, ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग, प्रो मीजो एंड मेटा, ठीक है, ओके। देन जो बॉडी है वो विद द ब्रिसल्स, ठीक है, 8 mm लॉन्ग होती है इसकी बॉडी, फोर विंग्स आर लार्ज, ट्रांसपेरेंट विद लाइंस, लाइंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो एब्डोमेन है वो सेगमेंटेड रहता है, ठीक है, वेरी स्मॉल हिंड विंग्स, जो पीछे के विंग्स हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसे कि हाल्टेयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हाउस फ्लाई है उसके फीचर्स रहते हैं, बहुत वॉचफुल होती है, और इसका जो हेड है उसे ये मूव कर सकती है डिफरेंट डायरेक्शन में, और इसकी लार्ज कंपाउंड आई होती है जिसकी वजह से ये इसकी चारों तरफ के डेंजर को बहुत तेजी से पहचान लेती है, और इसीलिए ये फास्ट फ्लाइंग होती है और वॉचफुल होती है, ठीक है। इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि चूंकि चूंकि ये ऑर्गेनिक मैटर्स पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक्स मैटर पे बैठती है, और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो ये क्या करती है कि अपने साथ जो डिजीजेस के जर्म्स हैं उन्हें कैरी करती हैं, और खराब जो जहाँ से ये जर्म लेके आई है वहाँ से ये क्या करती है, यदि ये खाने पे बैठे तो ये वहाँ पे ट्रांसमिट कर देती है जर्म्स को, और जब हेल्दी ह्यूमन बींग उस खाने को खाते हैं तो दे गेट इन्फेक्टेड विद दोस डिजीज के जर्म्स, ठीक है। तो टाइफॉइड, कॉलरा, ठीक है, जो कि खाने के द्वारा और पानी के द्वारा फैलते हैं, उनमें ये जो मक्खी है, ये जो मस्का है, ये जो हाउस फ्लाई है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरियर है, तो इट इज कैरियर फॉर जर्म्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिजीजेस के जो जर्म्स होते हैं जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा और टीबी, तो उन्हें ये क्या करती है, इट कैरीज एंड इट ट्रांसमिट द जर्म्स ऑफ डिजीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस प्रकार ये बहुत नुकसानदायक है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है, और इस प्रकार
जो है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो हमने समझ लिया मस्का एंड हाउस फ्लाई किस प्रकार इसके फीचर्स होते हैं और इसका क्या महत्व है। ठीक, तो इन द नेक्स्ट सेशन नाउ वी विल सी कि मॉस्किटो, हनी बी और लैक इंसेक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं।